सीएम योगी ने किया बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, वार्ड में जाकर जाना मरीजों का हालचाल। कोविड-19 जेई और एईएस की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार की ओर से सुविधा दी जाएगी। देश में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,97,413 पर पहुंच चुकी है। वहीं 24 घंटे के भीतर 24,248 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 24 घंटे के भीतर 425 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देश में इलाज के बाद 4,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक कोरोना से 1,96,093 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के 2,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में एक दिन के भीतर कोरोना के 933 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 24 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों का आंकड़ा 28,000 के पार पहुंच चुका है। डीआईजी एसटीएफ आनंद देव तिवारी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र के लेटर के बाद ये कार्रवाई हुई है। चिट्ठी का खुलासा होने के बाद शक के घेरे में आनंद देव तिवारी आए। एसटीएफ के हाथ कानपुर शूटआउट के आरोपी विकास का एक गुर्गा जय वाजपेयी लगा है। विकास दुबे के पैसे का हिसाब किताब यही रखता था। डीआईजी एसटीएफ आनंद देव तिवारी का भी करीबी माना जाता है जय वाजपेयी। कानपुर कांड को लेकर सीएम आवास पर बैठक जारी है। मामले पर मौजूदा हालात की जानकारी ले रहे हैं सीएम। डीआईजी एसटीएफ आनंद देव तिवारी की कार्यशैली पर चर्चा की जा रही है। गैंगस्टर विकास दुबे से एनकाउंटर में शहीद हुए यूपी पुलिस के डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की बात कही है। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में बीते 3 जुलाई को बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के साथ हुई मुठभेड़ में डीएसपी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। पुलिस टीम का नेतृत्व देवेंद्र मिश्रा ही कर रहे थे। अब उनकी बेटी ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की बात कही है। हालांकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। कानपुर में हुई पुलिस और गैंगस्टर विकास दुबे के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली हुए हैं। यही वजह है कि डीजीपी ने अब मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को लेकर 2,50,000 का इनाम घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से 12 टोल प्लाजा पर अपराधी विकास दुबे के पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर खुद पुलिस ने चस्पा किए। कानपुर कांड के बाद सूबे की पुलिस कुख्यात विकास दुबे की तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में आज उन्नाव जिले में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर नवाबगंज टोल प्लाजा पर पुलिस ने विकास दुबे के पोस्टर लगा दिए और विकास दुबे की सूचना देने वालों को 2,50,000 का इनाम देने की घोषणा कर दी है। वहीं विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर उन्नाव पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। कानपुर कांड पर कॉमेडियन राजेश श्रीवास्तव का बयान सामने आया है। उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि योगी सरकार इन अपराधियों को छोड़ेगी नहीं, जल्द ही इन्हें पकड़ लिया जाएगा। कानपुर कांड के बाद विकास दुबे की बहन का बयान सामने आया है। विकास की बहन का कहना है कि उनके रिश्ते करीब 6 साल पहले ही खराब हो चुके हैं। विकास की बहन का कहना है कि वो हमेशा पैसे के लिए बच्चे और पति को जान से मारने की धमकी देता रहता। कानपुर कांड के बाद अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है और उनकी अवैध संपत्तियों को तोड़ने और कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में आगरा में भी टॉप 20 अपराधियों की सूची तैयार कर ली गई है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि कौन जेल में है और कौन बाहर, इसका ब्यौरा भी तैयार किया जा रहा है। इन अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा। कानपुर हत्याकांड के बाद पूरे देश में मायूसी का माहौल है, जिसके चलते अब उत्तर प्रदेश सरकार क्लीन उत्तर प्रदेश प्लान बनाने के फुल मूड में नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश के हर जिले के अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि वो अपने जनपद के सभी हिस्ट्री शीटर की एक लिस्ट तैयार करें जिसमें हर वर्ग और हर तरह के हिस्ट्री शीटर मौजूद होने चाहिए। लिस्ट के आधार पर ये चयन किया जा सके कि किस हिस्ट्री शीटर पर किस तरह से कितने मुकदमे दर्ज हैं, जिन पर हत्या और डकैती जैसे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उनको अलग तरह की श्रेणी रखा जाएगा। गाजियाबाद में कल मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसएसपी की ओर से बनाई गई टीम ने 18 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी फैक्ट्री संचालक नितिन चौधरी को हिरासत में लिया। अलीगढ़ में दबंगों ने महिला और उसके पति के साथ मारपीट की है, वहीं इलाज के दौरान महिला के पति ने दम तोड़ दिया है। दरअसल बच्चों के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के 6 दिन के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जो है वो जुटी हुई है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से सटे मकानों का गिराने का विरोध तेज होने लगा है। प्रभावितों ने स्थानीय विधायक चंद्रा पंत के साथ डीएम से मिलकर विरोध जताया है। प्रभावितों का कहना है कि एयरपोर्ट के नाम पर पहले ही उनकी जमीन जा चुकी है, अब प्रशासन उनके घरों को निशाना बना रहा है। जौनपुर सिकरारा थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई है। विवाद में महिला प्रधान सहित 9 लोग घायल हुए हैं। घटना में दोनों पक्ष ने तमंचे से फायरिंग कर आरोप लगाया। गोली के छर्रे से प्रधान पति और 2 युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस काफी दिनों से उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। जनपद मुजफ्फरनगर में 30 जून को थाना नई मंडी क्षेत्र में फाइनेंसर और उसके साथी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी रहे निशानदेही पर मृतक के दूसरे साथी का शव और एक ऑल्टो कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। डबल मर्डर केस मामले में 4 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की लगी हुई। मास्क की अनिवार्यता को दरकिनार कर सड़कों पर घूमने वाले और दुकान चलाने वालों को सरकार की गाइडलाइन का पाठ पढ़ाने के लिए एसडीएम खुद सड़क पर उतर आए। उन्होंने नगर निगम और पुलिस टीम के साथ शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान जो व्यक्ति जहां भी मास्क के बगैर नजर आया उसकी वहीं चालान काटी गई। जौनपुर सिकरारा पुलिस ने कॉलेज प्रबंधक सभापति दुबे मर्डर केस का पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार प्रबंधक के नौकर चंद्र प्रकाश दुबे ही डंडे से ही पीट कर हत्या किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए डंडा और प्रबंधक का सारा सामान और पैसा भी बरामद कर लिया है। आरोपी युवक को जेल भेजा गया। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो पिछले 4 साल से नोएडा पुलिस को चकमा दे रहा था। शहजाद नाम का ये ठग शहर के खाली पड़े प्लॉटों को कब्जा कर लिया करता था और उनके फर्जी कागज बनाकर लोगों को बेचकर उनसे ठगी किया करता था। 2016 में इसके ऊपर ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ था। तब से ये पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था और देर रात पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गोंडा जिले में तरबगंज थाना क्षेत्र के भिखारीपुर कला गांव से आपसी विवाद में हत्या की खबर सामने आई है। दरअसल यहां 4 दोस्तों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी, जबकि युवक का भाई बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच करने में जुटी है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों को उनके घर में बेरहमी से कत्ल किए जाने के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस इस हत्याकांड के बारे में कोई सुराग पता नहीं लगा पा रही है। 4 दिन बाद पुलिस इस मामले में अब प्रतापगढ़ पुलिस की मदद लेगी। बारिश का कहर लोगों पर आफत बनकर टूट रहा है। रायबरेली में बारिश की वजह से अचानक रात में एक जर्जर मकान ढह गया। मकान के ढहने से परिवार के सभी सदस्य मलबे में दब गए। वहीं परिवार के कई सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 10 साल की बच्ची की मलबे में दबने से मौत हो गई।
संत कबीर नगर के चमरसन गांव में ग्रामीणों ने सड़क पर धान की रोपाई की। दरअसल गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बारिश के मौसम में ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से इस बात की शिकायत की, लेकिन किसी भी अधिकारी का इसमें ध्यान नहीं गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने यहाँ धान रोपाई का फैसला लिया। प्रयागराज में नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रवासी श्रमिकों के बस्ती में मास्क और मिठाई बांटकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई है। नंदी ने कहा है कि एक राष्ट्र एक प्रधान एक निशान एक विधान के उद्घोषक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 119वीं जयंती पर उन्हें नमन करता। वाराणसी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लगभग प्रतिदिन लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। पूरे शहर में दहशत का माहौल व्याप्त है। ऐसे में दो अधिवक्ताओं के कोरोना संक्रमित होने के कारण पूरे कचहरी परिसर को दो दिन के लिए सील किया गया। कचहरी परिसर में अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से कचहरी परिसर को खाली करने के निर्देश दिए गए। डीजल पेट्रोल के दामों पर महंगाई के विरोध में पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश प्रांतीय उपाध्यक्ष मयूख महर की अगुवाई में कांग्रेसी पेट्रोल पंप के आगे धरने पर बैठ गए। इस मौके पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर आम आदमी को लूटने का आरोप लगाया। सबसे जल्दी कोरोना को मात देने वाला जनपद टिहरी हिमालयी राज्यों के लिए मॉडल बन चुका है। दरअसल टिहरी में सबसे अधिक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, लेकिन अभी 421 कोरोना केस में से सिर्फ 3 ही एक्टिव बचे हैं। आने वाले दिनों में कोई पॉजिटिव केस न मिला तो जल्द ही जनपद कोरोना मुक्त हो जाएगा। बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर उनके सिद्धांतों पर चलने की बात कही गई। मोदी सरकार के एक साल के तमाम कार्यक्रमों का समापन भी आज किया गया। पिथौरागढ़ से सीडीओ सौरभ गहरवार ने चीन सीमा से सटी दारमा घाटी का दौरा किया है। इस दौरान सीडीओ ने ग्रामीणों के साथ मिलकर विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का रूपमैप भी तैयार किया है। डीएजीपी की योजनाओं की सीडीओ ने समीक्षा भी की है। वहीं दारमा घाटी को पर्यटन से जोड़ने के लिए सभी गांवों में होम स्टे बनाने का प्लान तैयार किया गया है। बीजेपी आलाकमान ने कोरोना काल में किए गए उत्तराखंड बीजेपी संगठन के लिए काम का ब्यौरा मांगा है। बीजेपी आलाकमान ने 15 अगस्त तक ब्लॉक जिला और प्रदेश स्तर तक के तमाम कार्यों का अलग अलग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मांगी है, जिसमें संगठन के तमाम कार्यों को बताया गया हो। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के अनुसार संगठन के निर्देश पर 30 जुलाई तक पार्टी तमाम कार्यों की डॉक्यूमेंट्री बना लेगी। बुलंदशहर में चलते सीएनजी कैंटर में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से कैंटर जलकर खाक हो गया। वहीं कैंटर ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई। गुड़गांव से अलीगढ़ मशीन लेकर ये कैंटर जा रही थी। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के NH 91 की घटना बताई जा रही है।